पर उस छठ के लिए तैयारी चल रही है युद्ध स्तर पर। उसी क्रम में हम लोग घाटों का निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, सुबह सुबह सब लोग की टीम आती है और दीघा पाटीपुर घाट से हम लोगों ने शुरू किया था और अभी यहाँ काली घाट पर हम लोग पहुंचे हैं आज तीसरे दिन। उद्देश्य यही है कि जो व्यवस्था हो रही है पूरी तरह से अच्छी हो, पुख्ता इंतजाम हो, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना नहीं हो और जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे छठ व्रती आएंगे उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। एक तो आने जाने का रास्ता स्मूथ हो, घाट का निर्माण ठीक से हो, बैरिकेडिंग हो, पानी में कहाँ तक सुरक्षित है गहराई वो हो, और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम हम लोगों की लगेगी, मेडिकल कैंप रहेगा, चेंजिंग रूम रहेगा और शौचालय पेयजल की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो इंतजाम हो रहा है अभी प्रारंभिक स्तर पर घाट निर्माण का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और बाकी भी इंतजाम सब समय हो जाए और जो लाइट यहाँ सब लगी हुई है वो सब फंक्शनल रहे, क्योंकि शाम को भी अंधेरा हो जाता है और रात में भोर में लोग आते हैं आकर के वो सुबह का अर्घ्य देने के लिए। तो उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है किसी प्रकार की असुविधा नहीं है और कुल अभी जो गंगा के घाट हैं हमारे 108 घाट हैं जिसको चिन्हित किया गया है, उसमें से अभी 4 खतरनाक पाए गए हैं। आपका जो सिटी घाट है, पहलवान घाट है, मीनार घाट है, ये सब खतरनाक पाए गए हैं। तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ कटाव बहुत ज्यादा है और गहराई बहुत ज्यादा है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी समय है 10 दिन कम से कम, अगर कुछ उसमें संभावना होगी तो उसको हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर उसको बंद कर देंगे। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि हम लोगों का कलेक्ट्रेट घाट और महेंद्रू घाट जो है पूरी तरह से निकला है और बहुत ही अच्छा और बड़ा घाट है। हम लोग भीड़ को वहां डाइवर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे गाड़ियां भी वहां तक जा पाएंगी और पैदल भी छठव्रती जो है वो जा पाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनौती बहुत है सर आई गई है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, उसको हम लोग उसका अनुपालन करवा रहे हैं और मुख्य रूप से पटना सिटी एरिया में हम लोग देखते हैं भंडारण होता है, उसकी जांच चल रही है। 5 टीम बनाई गई है और वो निरंतर जांच कर रही है और जो वायलेशन पाया जा रहा है उसमें उसको सील भी किया जा रहा है और अनुज्ञप्ति वगैरह भी लोगों की चेक की जा रही है। हम लोगों की नजर है और उसको हम लोग अनुपालन कराएंगे। 108 घाट हैं लगभग और उन पर हम लोग लगातार और तैयारी अच्छी है और अभी तो घाट का निर्माण पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और आपका जो शौचालय है उसकी सुविधा, लाइटिंग की सुविधा, वो सब देखने वाले हैं। तैयारी होगी दस्तक पर चल रही है, फिर बीच में हम लोग देखेंगे। कितने घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, बहुत सारे घाट कितने किया गया है? 4 घाट मिले हैं। वो कौन कौन से घाट हैं? LPC घाट है और पहलवान घाट है, मीनार घाट है, ये सब अभी खतरनाक पाया गया। कटाव बहुत ज़्यादा है, गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी समय है 10 दिन का और हम लोग नजर रख रहे हैं। संभावना होगी जिसको बनाएंगे फिर उसको हम लोग बंद। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।